बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाजरीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में मसला पेश करूँगा वो ये है कि अगर कुरान मुकद्दस नऊज़ बिल्ला गिर जाए या कुरान मुकद्दस का कोई वर्क फट जाए तो क्या इस पर कफ़ारा देना होता है, क्या कफ़ारा लाजिम आता है। तो ये मसला आप जहन में रखें कि कुरान मुकद्दस नऊज़ बिल्ला गिर जाए या जो है कुरान मुकद्दस का कोई वर्क फट जाए तो इसके ऊपर कफ़ारा देना कोई लाजिम नहीं है। अलबत्ता इसमें इतनी एहतियात है कि अदब के साथ, एहतराम के साथ और इस्तिग़फ़ार के साथ अगर कुरान पाक गिर गया है तो उसे अदब व एहतराम और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए जो है रख देना चाहिए पाक और साफ़ जगह पर, ऊँची जगह पर। और इसी तरह अगर वर्क भी फट गया है तो उस पर भी कोई कफ़ारा जायज़ नहीं है, अलबत्ता इस्तिग़फ़ार कर लेनी चाहिए और आइंदा एहतियात का इरादा करना चाहिए कि आइंदा मैं इस तरह मुझसे नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल करने की और आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपकी खिदमत में इंतहाई अदब से गुजारिश है कि अगर आप मुस्तनद दीनी मसाइल जानना चाहते हैं तो हमारे इस्लामी चैनल ज़ौक़ी इस्लाम को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों से भी करवाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।